गुड आफ्टरनून एवरी वन दिस इज ट्रेडिंग सीक्रेट्स वेलकम टू माई चैनल सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को अपना अगस्त का जो पी एन एल है मैं वो दिखाऊंगा एंड uh, काफ़ी लोगों ने जब मैंने अपना जीरो लॉस स्ट्रैटेजी का वीडियो डाला था तो उसमें काफी लोगों ने मुझसे बोला कि सर आपने फंड कितना यूज कराया है आपने कितना परसेंट बनाया है तो मैंने बताया था कि मैं uh, जो कमेंट्स में मैंने बताया कि मैंने फोर्टी एट परसेंट अपने कैपिटल का बनाया है ओवरऑल एंड uh, मेरा जो मंथली टारगेट रहता है दैट इज फोर परसेंट ओनली ना मुझे इससे ज्यादा कभी चाहिए और ना मैं इससे ज्यादा चाहता हूँ आई डोंट मोर देन दैट ठीक है सो so, अगस्त में भी मैंने कितना कमाया ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और जिससे पहले कि मैं आगे बढ़ू मैं आप लोगों को अपना फंड दिखा देता हूँ काफी लोगों ने सोचा ट्राई करा बताने का की आप आ, फेक हैं एंड एवरीथिंग आप कुछ बताते नहीं हैं आई डोंट नो व्हाई आप लोग ऐसा सोचते हैं बिकॉज मैंने आप लोगों के सामने जीरोधा का प्लेटफॉर्म ऑन करके लाइव में आपके सामने सारे सब कुछ अपना दिखाया प्रॉफिट दिखाया देन वेरीफाइड पी भी दिखाया मैंने अपने आ, वीडियो पर वेरीफाइड पी भी डाला है वो शायद अभी रिसेंटली ये जीरोधा का कुछ पॉलिसी चेंज हुआ जिसकी वजह से कस्टम रेंज जो है वो हम अब चेंज नहीं कर सकते हैं सो so, उसकी वजह से कुछ लोगों का कमेंट आया था कि सर आपके में जीरो लॉस स्ट्रेटेजी इस वाले में वेरीफाइड पीएनएल एन इज नॉट वर्किंग सो अभी मैंने इसको अपडेट कर दिया है एंड ये अभी आ, 360 डेज के हिसाब से चलेगा सो एवरी ईयरली के हिसाब से चलेगा एंड आई बिलीव जैसे-जैसे आपका डेज uh, आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे-वैसे मेरा वेरीफाइड पीएनएल चलता जाएगा मैं आप लोगों को एक बार ये ओपन uh, करके भी दिखा देता हूँ, ये देखिए सो एज ऑफ नाउ ये जो है दिस इज 7 सितंबर 22 से लेकर आज तक का है ओके okay. फ्रॉम सेवन सेप्टर ट्वेंटी टू से आज तक की डेट का है फर्स्ट सेप्टेंबर ट्वेंटी टू फर्स्ट सेप्टेंबर ट्वेंटी थ्री सॉरी ठीक है सो so इसको हम बाद में देखेंगे तो ये तो रहा यहाँ का जो मैंने आपको वेरीफाइड पी एन एल लिंक दे दिया है जिन लोगों को भी डाउट था आप प्लीज इस वेरीफाइड पी एन एल लिंक में चले जाइए एंड uh, आप एक बार देख लीजिए एंड कुछ लोगों ने ए और भी डाउट बोला था कि सर आपका ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग सीक्रेट आ रहा है आपका नाम तो आ नहीं रहा तो सर जो जब आप वेरीफाइड पी में जाते हैं मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वहां पर एक डिस्क्रिप्शन का कॉलम होता है वहां पे आप अपना ये जो सुडो नेम है ये आप डाल सकते हैं निक नेम डालने का वहां पर एक प्रोविजन है तो वो चीज आप वहां पर डाल सकते हैं ठीक है सो ये मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाऊंगा सारी चीजें आज मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा बिफोर दिस यू शुड नो कि आज मैं कितने कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ सो so जब जनवरी में मैंने स्टार्ट किया था मैंने स्टार्ट किया था नियरली अबाउट फिफ्टी फिफ्टी टू लैक के आसपास कैपिटल से स्टार्ट किया था जब मैंने दिसंबर के बाद अपने जैन में कैपिटल बढ़ाया था सो so, उसकी वजह से मेरे को इतना हुआ था एंड अभी धीरे धीरे करते इस साल में मेरे को काफी ठीक ठाक आ चुका है तो वो प्रॉफिट मेरे पास है तो एज ऑफ नाउ मेरा कोलेट्रल जो है वो थर्टी फाइव के आसपास है एंड uh, जो मार्च uh, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है एंड मैं कभी भी पूरा मार्जिन यूज नहीं करता हूँ अपनी पोजिशन में मैं हमेशा थोड़ा बहुत छोड़ देता हूँ बिकॉज कई बार क्या होता है कोई स्विंग ट्रेडिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है या फिर कई बार क्या होता है मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है Uh, किसी स्टॉक को बाय करने की एंड आपके पास फंड्स नहीं होता सो so, उसके लिए मैं हमेशा अपने पास कुछ ना कुछ रखता हूँ अवेलेबल मार्जिन रखता हूँ सो दैट अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाए या फिर कुछ uh, अच्छा स्टॉक मेरे हाथ में लग जाए तो उस स्टॉक को मैं फंड के अभाव के कारण छोड़ ना सकू सो so, इसलिए मैं ये हमेशा मार्जिन रखता हूँ आई नेवर यूज माई एंटायर मार्जिन सो आप ध्यान दीजिए दिस इज माई आईडी ये मेरा आईडी है ठीक है क्योंकि बाद में कुछ लोग कहेंगे कि आपने आईडी चेंज कर दिया आपका आईडी ठीक नहीं था सो ये आप देख लीजिए माई आई डी इज वी वी जीरो नाइन फाइव टू ठीक है ये आपने देख लिया उसके बाद आप इधर पी एन एल कॉन्सोल में चले जाइए यहां पर आपको मेरा आई डी दिख जाएगा एंड दिस इज माई आई डी वी वी जीरो नाइन फाइव टू ठीक है कई लोगों ने बोला इट इज अ क्लोन ऐप ये क्लोन ऐप है जीरोधा को क्लोन कर लिया है सो फॉर दैट मैं आप लोगों को ये दिखा दूं ये होता है सर एक

वॉचलिस्ट है दिस इज वीबी जीरो मेरा आई डी है प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सोल है आपको दिखाने के लिए फर्स्ट अगस्त से कर देता हूं ठीक है सो आप लोगों को पता चल जाएगा अगस्त में मैंने कितना कमाया फर्स्ट अगस्त टू फर्स्ट सेप्टेंबर फर्स्ट सेप्टेंबर ओके एक दिन का क्या फर्क पड़ता है सो so, मैंने अगस्त में एफ के अंदर इतना प्रॉफिट कमाया है ठीक है इनफैक्ट दिस इज इवन मोर देन फाइव परसेंट ऑफ माई कैपिटल जो कैपिटल मैं एम्प्लॉय करता हूं अपार्ट फ्रॉम दिस जो मैं कैपिटल अपना बचा कर रखता हूं वो मैं इसमें अगर ना गिनू तो ये पांच से भी ज्यादा है ठीक है सो मुझे सिर्फ चार परसेंट चाहिए सर मार्केट में मैं मार्केट में मैंने जो बताया अपने पिछले वीडियो में भी एंड मैंने कमेंट्स में भी बताया मेरा जो मंथली वो टारगेट रहता है वो मेरा फोर टू फाइव परसेंट का टारगेट रहता है ना मुझे इससे ज्यादा चाहिए ना मुझे इससे ज्यादा की उम्मीद है मैं इसमें बहुत खुश हूं मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये मुझे ये चाहिए जब ये रेड होना स्टार्ट हो जाता है तब मेरे को मेरी साइकोलॉजी में थोड़ी गड़बड़ी आ जाती है एंड आई ऑलवेज बिलीव कि आपकी साइकोलॉजी आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है important. मेरे को काफी लोगों ने मैसेज करा कि सर आप अपनी जीरो लॉस स्ट्रेटेजी बता दीजिए आप आपने कोई एक होली ग्रेल मेथड फाइंड आउट किया है जीरो लॉस का जिससे कभी लॉस नहीं होता सर आज मैं आपको बता रहा हूं पूरे स्टॉक मार्केट में पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपको ये गारंटी दे सके कि यह हंड्रेड परसेंट फुल प्रूफ है अगर कोई ये कहता है वो गलत कहता है मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि सर ये एक स्ट्रैटेजी नहीं है इट इज अस मैनी लोगों को बताया था कि इसमें मैं स्ट्रैंगल यूज करता हूं कवर्ड कॉल यूज करता हूं रेशियो स्प्रेड यूज करता हूं कैलेंडर स्प्रेड करता हूं एंड इन सारी स्ट्रेटेजी का आपको YouTube चैनल पर फ्री में एक्सेस मिल जाएगा ठीक है लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बता दो आपका वीडियो हमने देखा हमारा टाइम वेस्ट हो गया आप सिर्फ हमें स्ट्रेटेजी देखने आए थे हमें स्ट्रेटेजी बता दो सर यूट्यूब पे मोर देन लाख वीडियोस हैं डिफरेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स ने जो बनाई है बहुत सारे ट्रेडर्स हैं कई तो ऐसे ट्रेडर्स हैं जस्ट जो करोड़ों का पीएनएल का अपना वेरीफाई करके देते हैं ठीक है कि वी हैव अर्न करोर्स इन ईयर वो बहुत प्रॉफिटेबल है उन्होंने भी आपको लोगों को ये सारी स्ट्रेटजीज बताई हैं लेकिन आप मुझे बताइए इन फ्री स्ट्रेटजीज को लगाकर आज तक कितने रिटेलर्स प्रॉफिट में चले गए हैं या फिर उनके जैसे बन गए हैं नील नील क्योंकि सर आप लोग ये नहीं समझ पा रहे कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटजी इज नॉट इंपॉर्टेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर की साइकोलॉजी उसकी साइकोलॉजी क्या है कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप उठा लीजिए वो स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल हो सकती है प्रोवाइडेड आपकी साइकोलॉजी आपके कंट्रोल में हो अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपके कंट्रोल में नहीं है आप को कोई भी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी मैं मैं दे दूं अपनी जीरो लॉस की strategy, सारी एज इट इज आप बोल के दिया था, ये तो काम ही नहीं करती काम करेगा कैसे क्योंकि आपकी साइकोलॉजी आपको प्रॉफिट नहीं लेने दे रही है आपको यही नहीं पता कि आपको मार्केट से चाहिए क्या इस चीज के लिए मैंने एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाया है ऑन जीरो आई हम्बली रिक्वेस्ट कि जितने भी लोग जीरो लॉस स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं जो लोग जानना चाहते हैं कि इसके पीछे है क्या वो आप इस वीडियो को एक नहीं दो नहीं कम से कम दस बार देखिए जो सीरियस ट्रेडर्स हैं वो एट लीस्ट इसको टेन टाइम्स देखिए वीडियो को इसमें देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जीरो लॉस स्ट्रेटजी कैसे बन सकती है कोई भी स्ट्रेटजी जीरो लॉस स्ट्रेटजी हो सकती है आपको कंट्रोल करना है अपना साइकोलॉजी ठीक है, so, काफी लोगों ने मुझे मैसेज करे थे काफी लोगों ने कमेंट्स भी करे कि आपकी ये तो आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे आप नुकसान करेंगे बिकॉज आपकी साइकोलॉजी आपके कंट्रोल में नहीं है आप क्या समझते हैं कि मार्केट में आप लोग पचास हजार रुपए लेकर आए एंड एक महीने के अंदर पचास हजार का पचास हजार कमा कर ले जाएं ये पॉसिबल नहीं है सर मैं कड़वा सच बोल रहा हूं लेकिन ये पॉसिबल नहीं है आप लोगों को बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो प्रॉफिटेबल हैं जो स्कैल्पिंग भी करते हैं जो बताते हैं कि हाँ आप इतना ये वाला ट्रेड ले लीजिए ऐसे ऊपर उठ जाएगा फाइव ई से उठ जाएगा नाइन से उठ जाएगा कितनों ने प्रॉफिट कमाया है ऐसे बताइए मुझे किसी ने भी नहीं कमाया होगा एक दो दिन प्रॉफिट कमाएंगे फिर लॉस में चले जाएंगे एंड लास्ट में आपका सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा सर आप बचपन से फर्स्ट क्लास से ट्वेल्थ क्लास तक अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करते हैं पढ़ते हैं सीखते हैं उसके बाद कॉलेज जाते हैं ग्रेजुएशन डिग्री लेते हैं आप पंद्रह बीस साल अपना टाइम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपनी लर्निंग में उसके बाद आपको नौकरी मिलती है तब आप कमाना स्टार्ट करते हैं सर मार्केट जो है मेरे नजरिए से इट इज नॉट लेस देन अम डिग्री ये डॉक्टरी से कम नहीं है सर आप जब तक पांच से छह साल इसमें स्पेंड नहीं करेंगे इसको समझेंगे नहीं तो जब मार्केट अपनी पोजीशंस लेगा ठीक है वो आपको लॉस कराएगा आप मार्केट का ऑपरेशन करने आए हैं आप कुछ नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपको कम से कम पांच से छह साल देना पड़ेगा मार्केट को आप आए एक, एक महीने पहले आप आए तीन महीने पहले ठीक है आप लोगों ने चीजें क्या सीखी है आरएसआई थर्टी हो गया तो ओवरबॉट हो गया सॉरी ओवरसोल्ड हो गया एंड सत्तर हो गया तो ओवरबॉट हो गया ये चीजें सीखकर अगर आप मार्केट में उतर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप हंड्रेड परसेंट प्रॉफिट कमा लेंगे सर बहुत बड़ी गलत फहमी में मैं आप ये कड़वे सच है मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज सर ये जो चीज मैंने की है ये चीज मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूं कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा ये तब आएगा और ये आएगा ये सर कोई नहीं रोक सकता ये आएगा सब्र करिए अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझिए कोई भी स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट दे सकती है अगर आपके कंट्रोल में आपकी साइकोलॉजी है ये जो आपको फ्री के ट्रेडर्स पढ़ा रहे हैं ना सर फ्री के वीडियोस जो आप कहते हैं कि स्ट्रेटजी बताओ स्ट्रेटजी बताओ कोई स्ट्रेटजी नहीं है सर मार्केट में जो आपको प्रॉफिट दे दे ये पढ़ा रहे हैं लोग आपको ये पढ़ के आप मार्केट में उतरेंगे और आपको लग रहा है 100% कमा लेंगे तो इस हिसाब से तो सर जो एफआईआईज है ना वो हर महीने 100% कमाएंगे एंड जितने भी एफआईआईज हैं सारे फॉरेन इंस्टीट्यूट्स हैं तो सोचिए उनका डेवलपमेंट कितना स्ट्रांग होगा उनकी इकोनॉमी कितनी बूम हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं होता ना क्योंकि ये फैक्ट नहीं है ये जो फ्री के वीडियोस मिल रहे हैं ना सर आपको जो सो so कॉल्ड सक्सेसफुल ट्रेडर जो वेरीफाइड पी लिंक भी देते हैं कई बार झूठा भी दे देते हैं वो आपको ये स्ट्रेटेजी बता रहे हैं तो सर सबसे पहले अगर आपको अपनी साइकोलॉजी पे ध्यान देना है तो सबसे पहले ये जो फ्री की स्ट्रैटेजी आपको मिल रही हैं ठीक है इन पे आंख बंद करके पैसा लगाना बंद करिए सबसे फर्स्ट स्टेप है उसके बाद सीखिए मार्केट क्या कहना चाहता है अपने आप को टाइम दीजिए मार्केट में डिसिप्लिन रखिए पेशेंस रखिए ये आएगा ये कहीं नहीं जा सकता ये आएगा ठीक है सर अगर मैं कर सकता हूं तो मुझे पूरा यकीन है मेरा कोई भी रिटेलर भाई ये कर सकता है एंड सर मेरा आप लोगों को ये वीडियो दिखाने का ये मकसद नहीं है कि देखो मैंने कितना पैसा कमाया मैंने क्या कमाया मैंने सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि सर ये पॉसिबल है एंड जाहिर सी बात है जब मैंने ये वीडियो आप लोगों के सामने पहली बार डाला तो काफी लोगों ने कमेंट करा कि इट इज नॉट पॉसिबल फेक पी एन ये वो एक्सेप्टेड बिकॉज आप लोगों ने ऐसा कभी देखा नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है सर मैंने वीडियो बनाया इसलिए कि आप लोगों को दिखा सकूं कि सर ये इन इन चीजों के पीछे मत भागो ये आपको कुछ नहीं देंगी ये सिर्फ आपको लॉस देंगी ठीक है को पकड़ो मार्केट में टाइम स्पेंड करो किसी से नहीं सीखना मत सीखो लेकिन रोज सुबह सवा नौ से साढ़े तीन तक मार्केट को देखो कुछ करो मत लेकिन देखो सीखो समझो सर जब आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आप जाते के साथ ही बैट उठाकर ओपनिंग पे बैटिंग करने नहीं चले जाते आप पहले बचपन से देख रहे हैं उसको क्रिकेट को फिर धीरे धीरे आपने सीखा तब आप जाकर बैटिंग करना स्टार्ट करते हैं आप लोग पचास हजार रुपए लेकर आए हैं और मार्केट में घुस रहे हैं और आप कह रहे हैं हम तो सीधा ओपनिंग बैट्समैन करेंगे एंड फिफ्टी थाउजेंड का वन लाख बना देंगे अरे कैसे पॉसिबल है सर ये नॉट पॉसिबल आप पूरा लॉस करेंगे पचास का पूरा लॉस हो जाएगा उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप सोचेंगे एक लाख और लेके आता हूं फिर आप कहेंगे बस ये लॉस रिकवर हो जाए फिर चला जाऊंगा आप ये एक लाख का भी लॉस कर देंगे सर मैं लाइव एग्जाम्पल हूं मेरा पिछला देखिए मैंने उस वीडियो में बताया कि मेरा साथ ऐसा हो चुका है बिकॉज ये ये हमारी है है हम हम हमारे पास हमको किसी ने ठीक से नहीं बताया कि करना क्या सो so इसलिए पैसा लूज कर देते हैं एंड फिर लास्ट में मार्केट को गाली देते हैं और चले जाते हैं सर मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि सर हमने इतना लाख लॉस कर दिया इतना लाख लॉस कर दिया अरे सर आप इतना लाख लॉस कर कर भी नहीं सीख पा रहे हैं तो बिना लॉस करे जस्ट मार्केट में अपना टाइम स्पेंड करके सीख सकते हैं वो कर लीजिए बिना पैसे लगाए टाइम स्पेंड कीजिए ना इसके पीछे भागेंगे आर एस आई तीस और सत्तर के पीछे भागेंगे ठीक है पी दस और तीस के पीछे भागेंगे तो सर लॉस तो होना ही है फिर कहां बच के जाएंगे आप लॉस तो सर मेरी ये सलाह है आप सबसे कि आप प्लीज थोड़ा ट्रेडिंग सीखिए ठीक है एंड आई नो कि जब ऐसा कोई सामने आता है या ऐसा कुछ सामने आता है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आप लोगों को लगेगा कि भाई ये तो फेक है ठीक है लेकिन ये फेक नहीं है सर ये रियलिटी है एंड सर आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो भी मुझे फेक साबित करना चाहते हैं मैं ओपन चैलेंज देता हूं सर मैं अपना ये पूरे साल का पूरा प्रॉफिट आप लोगों को दे दूंगा जो मुझे फेक साबित कर देगा आप सेबी में डाल दीजिए जीरोधा में लिख दीजिए सेंसिबुल में लिख दीजिए डू वट यू कैन इससे आसान पैसा आपको नहीं मिलेगा अगर आप मेहनत करना चाहें तो आप कर सकते हैं आप ढूंढ सकते हैं आप इसको फेक पीएनएल साबित करके दिखाइए मैं पूरे साल का प्रॉफिट आपको देने को तैयार सर मेरा मेन मकसद आप लोगों को सिर्फ ये दिखाने का ये है कि प्लीज एक्सेप्ट करिए कि प्रॉफिट आता है बट पेशेंस रखिए सर डिसिप्लिन रखिए आएगा नहीं जाएगा मैं कर सका हूं तो आप भी करोगे एंड काफी सारे लोगों ने मुझे बोला कि भाई तुमने सैटरडे संडे प्रॉफिट करा है तो सर प्लीज एक बार आप लोग ध्यान से जो पी एन एल स्टेटमेंट या रिपोर्ट होती है ना उसको एक बार आप दोबारा से पढ़ना सीख लीजिए ये जो नीचे के होते हैं ना सर एक जुलाई आठ जुलाई ये होते हैं सर सैटरडे के ये जो ऊपर के होते हैं ना छह अगस्त तेरह अगस्त बीस अगस्त अगस, सत्ताईस अगस्त ये सारे होते हैं संडे ठीक है जैसे कि आज है सैटरडे यानी कि सेकेंड सेप्टेम्बर तो इस दिन मेरा कोई डेटा नहीं है क्योंकि सैटरडे और संडे मार्केट बंद रहता है उसके बाद आएगा संडे ये देखिए तीन सेप्टेम्बर जो कि है मार्केट क्लोज इस दिन भी मेरा कोई ग्रीन नहीं होगा तो सर अननेसेसरी फेक बोलने से कोई फायदा नहीं है अगर कोई चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं तो करिए बिकॉज ये आप लोगों की भलाई के लिए मैं जो कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं मुझे किसी के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जो सीखना चाहते हैं ये वीडियो उनके लिए तो सर एज ऑफ नाउ आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि मैंने एफ में ऑलरेडी अपना चार परसेंट जो कैपिटल है वो उसका प्रॉफिट बनाया है एंड उसके अलावा मैंने स्विंग ट्रेडिंग भी काफी अच्छी मेरी इस महीने में हुई है तो इस महीने में मेरे को काफी अच्छा इसमें प्रॉफिट भी मिला है अब लेट्स गो आपको ये मैंने यहाँ दिखा दिया अब आप लोगों को मैं वेरीफाइड पी दिखाता हूँ कैसे बनता है ठीक है सर ये देखिए मैं वी बी ये मेरा फंड है जीरो ये फंड था ठीक है सर मैं गया अकाउंट्स में अकाउंट्स में देखिए दिस इज माय नेम दिसो नाइन फाइव टू ओके सर कोई कोई कंफ्यूजन नहीं नीचे गए वेरीफाइड पी एन एल में अब कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि आपका ट्रेडिंग सीक्रेट एटी एट कैसे आ गया तो सर ये होता है डिस्क्रिप्शन और प्रोफाइल ऑप्शनल इसको मैं डिलीट मार दू तो डिलीट हो जाएगा और अगर मैं इसमें ट्रेडिंग सीक्रेट्स डाल दूंगा 88 तो ये यहां आ जाएगा सिमिलरली यहाँ पर एक पर्सनल वेब पेज होता है ऑप्शनल यहाँ पर मैंने अपने टेलीग्राम का चैनल डाला हुआ है ठीक है सर सो so, मैं आप लोगों को अभी मैंने 360 सिक्सटी है तो 360 की जगह सर मैं आप लोगों को 30 डेज का वेरीफाइड पीएनएल करके दिखा देता हूँ ठीक है ओके ओके डन इक्विटी डनो डन ठीक है ये देखिए वेरीफाइड पीएनएल हो रहा है लोड ये देखिए वेरीफाइड पेज सेटिंग सेव सक्सेसफुली अब आप लोग बोलेंगे कि कॉपी नहीं किया कोई बात नहीं सर मैं रीजनरेट लिंक करता हूँ ठीक है ये देखिए वेरीफाइड पी एन एल लिंक रीजनरेटेड ओके एक और बार कर देता हूं सर दोबारा से रीजनरेट हो गया ये होता है सर कॉपी यहां से कर लेते हैं कॉपी ठीक है ये हो गया देखो कॉपीड टू क्लिप बोर्ड यहां आए यहां पर मैंने किया राइट right क्लिक और इसको किया मैंने पेस्ट उसके बाद मैंने मारा सर एंटर ठीक है तो ये आ गया मेरा लास्ट जो थर्टी डेज का निकालेंगे वो आएगा अगस्त तीन से लेकर एक सितंबर तक का बिकॉज अभी वो जो कस्टम डेट है वो उसने चेंज कर दिया है ये है सर पंद्रह अगस्त पंद्रह अगस्त को छुट्टी थी तो मैंने कोई प्रॉफिट बुक नहीं करा सो so, अगस्त के महीने में दिस इज द अमाउंट जो मैंने कमाया है दिच इज मच मोर देन फोर ठीक है जो कैपिटल मैं लगाता हूं इसके अलावा मेरी अलग इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसका मैंने आप लोगों को मेरा जो चैनल है ट्रेडिंग सीक्रेट्स इसमें मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है कि दिस इज माय चैनल एंड दीज आर माय इन्वेस्टमेंट्स मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं सर मैं जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक नहीं करता हूं ठीक है सर ये हो गया वेरीफाइड लिंक मेरा अगस्त का इस वेरीफाइड लिंक को हमने कॉपी कर रखा है और ये मैं अब आप सबके सामने इसको अपने ट्रेडिंग सीक्रेट्स जो चैनल है उसमें ये ट्रेडिंग सीक्रेट्स का जो चैनल है उसमें मैंने इसको पोस्ट कर दिया ठीक है सर ये आ गया पोस्ट इसको बंद करेंगे और इसको दोबारा ऑन करेंगे देखते हैं क्या होता है ये है मेरा अगस्त का पी एन एल स्टेटमेंट ओके सर नेक्स्ट अब आप लोग बोलेंगे कि भाई एक साल का दिखाओ मैंने ठीक है सर पहले मैं आपको वन डेज का दिखाता हूं ठीक है ये हो गया इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग सीक्रेट्स ट्रेडिंग सीक्रेट्स ये देखिए सर वी बी जीरो नाइन फाइव टू इससे ज्यादा क्लैरिटी नहीं दे सकता मैं सेव ये हो गया रीजनरेट लिंक कॉपी ये आ गया पीएनएल लिंक कॉपी टू क्लिपबोर्ड ठीक है सर आगे बढ़े ये मैंने ये कॉपी कर दिया और मैंने एंटर मारा ये आ गया सर मेरा सिंस मार्च से जो छह महीने का है ये वहां तक का मेरा अब तक का आ गया ठीक है ये है मेरा एंड इसमें यह लॉस नहीं है ये सेवनटी फाइव ये लॉस नहीं है ये थर्टी टू ये लॉस नहीं है ये सेवन 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 ये लॉसेस नहीं, नहीं है मेरे मेरा पूरा छह महीने प्रॉफिटेबल है ये सिर्फ वो दिन है जहां पर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है तो सॉरी मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है बट मैंने ट्रेड लिया है सो so, ये मेरा सिक्स मंथस का पीएनएल है सर पीएनएल लिंक है ठीक है और आगे बढ़ते हैं सर मैं वन एट्टी डेज की जगह पूरा एक साल का करता हूं थ्री सिक्सटी डेज का लगाता हूं ठीक है सेव ये देखिए हो रहा है वेरीफाइड पीएनएल इनेबल पब्लिक पेज ये वेरीफाइड पीएनएल पेज सेटिंग सेव सक्सेसफुल रीजनरेट लिंक कर देते हैं वेरीफाइड पीएनएल लिंक रीजनरेटेड कॉपी कर देते हैं पीएनएल लिंक कॉपी टू क्लिप बोर्ड ठीक है यहां पर राइट right क्लिक करते हैं पेस्ट एंड एंटर तो ये है सर मेरा एक साल का वेरीफाइड पीएनएल ठीक है जिसको कि मैं आप लोगों के सामने यहां पर भी डाल देता हूं लीजिए ठीक है ये करते हैं कंट्रोल वी ठीक है आ गया ये हो गया चेक पी एन एल वेरीफाइड ये आ गया मेरा वेरीफाइड पी एन एल दोनों को फिर से चेक कर लेते हैं सर ओ uh -oh, ये वट इज दिसंट एक्सिस्ट ओके इशू मे बी ये देखिए ये आ गया मेरा पूरा एक साल का वेरीफाइड पी एन एल डेटा ठीक है सर टाइम कितना है फोर टेन एंड फोर ट्वेल्व पी एम ये आप लोगों के सामने मैंने सामने सामने वेरीफाई किया है ये वाला क्यों नहीं खुला दैट आई लेव टू चेक ये मैं दोबारा से देखूंगा ठीक है सो so, ये सेम डेटा मैंने आप लोगों को यहां पर भी दिया है ठीक है जो मेरी पिछली वीडियो है जिसमें लोगों ने बोला कि आपका नहीं है सो सम मे बी इशू इज देयर बट ये जो वेरीफाइड पीएनएल लिंक है ये वेरीफाइड पीएनएल लिंक ऐसा ही है ठीक है या मे बी ये होता है कि जब ये वेरीफाइड पीएनएल ये चेंज हो जाएगा तब शायद ये वाला लिंक भी चेंज हो जाएगा ओके okay, तो मैं इसको आप लोगों के लिए दोबारा अपडेट कर दूंगा ठीक है बिकॉज मैंने बहुत सारे लिंक जनरेट कर दिए हैं शायद इसलिए ठीक है सो दिस इज हाउ इट इज डन तो ये था मेरा कंसोल सर इस कंसोल में मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि मैंने कितना हाउ मच मनी आई हैव मेड इन दिस मंथ इट इज मोर देन फोर परसेंट ऑफ माई कैपिटल अब मैं आपको ले चलता हूँ मेरे दूसरे कंसोल में ये है मेरा दूसरा कंसोल इस कंसोल में एक अगस्त से लेकर आप अगर तीस अगस्त तक जाएंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन में इकतीस अगस्त में सो so, इतना मैंने कमाया है इसमें फंड्स कितना यूज हुआ है ये मेरा दूसरा कंसोल uh, है सर इसमें भी मैं कभी पूरा कैपिटल यूज नहीं करता हूं इसमें कैपिटल यूज हुआ नियरली अबाउट फोर्टी सेवन लाख के आसपास सो so, इसमें भी मैंने ओवरव्यू डालेंगे ईयर का तो इसमें भी मैंने ऑलमोस्ट सिक्सटी नाइन थाउजेंड इक्विटी में कमाया है जो स्विंग ट्रेडिंग की और एफ में इतना सो मोर देन फोर परसेंट इजीली मैंने अपना इसमें भी कमाया है ठीक है सर नाउ लेट्स गो टू वेरीफाइड पी ये देखिए मेरा वेरीफाइड पी ठीक है इसमें मैंने कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं डाला है ठीक है आई शो यू एसड एम टू नाइन एट ये क्या है दिस इज इक्विटी एंड थर्टी डेज का मैं आप लोगों को पहले दिखाता हूं सेव ये जनरेट हो रहा है ये जनरेट हो गया कॉपी कॉपी टू क्लिपबोर्ड बोर्ड यहां पेस्ट किया

इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं थ्री सिक्सटी डेज का इस अकाउंट में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी अक्टूबर से तो इसमें सिर्फ अक्टूबर से ही डेटा आएगा अपडेट हो गया पी एन एल लिंक कॉपीड ये हो गया पेस्ट एंटर ये है मेरा वेरीफाइड पीएनएल लिंक फ्रॉम फर्स्ट अक्टूबर ऑफ माई सेकेंड ऑफ माई सेकेंड अकाउंट अब ये आप देख रहे होंगे कि ये तो लॉस है ये पचास लॉस है पच्चीस रुपए इज इट लॉस छियालीस रुपए इज इट लॉस नाइन सेवन इज इट लॉस ये, loss? Loss? 976, loss? 74, ये 5, 000, बस ये एक लॉस है सेवन फोर ये लॉस लॉस है ये एक सो दीज आर नॉट लॉसेस दीज आर ये वो दिन है जिस दिन मैंने प्रॉफिट बुक नहीं करा बट मैंने ट्रेड लिया है इसलिए ये चार्जेस डिडक्टेड है ठीक है सो ओवरऑल इस अकाउंट में मैंने इतना बनाया है ठीक है विच इज आराम से मोर देन ये अच्छा खासा मेरा हर महीने चार परसेंट का मेरे को प्रॉफिट मिल जाता है तो सर ये रहा मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो जो मैंने आप लोगों को साथ शेयर करा एंड ये रहा मेरा पूरा मार्केट का समरी सो so, अगली बार जब आप मेरा वीडियो देखें आई हमली रिक्वेस्ट आप ये मत सोचिएगा कि मैंने आपको कोई फेक पीएनएल दिया है फेक पी नहीं है पी का डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये मेरा पीएनएल का आपको डाल के दूंगा लिंक वेरीफाइड लिंक डाल के दूंगा आप प्लीज उसको चेक करिए एंड मेरा मेन रीजन आप लोगों को ये दिखाने का सिर्फ ये, है कि ये फेक नहीं है। ऐसा पॉसिबल अगर मैं कर पाया हूं तो आप भी कर सकते हैं कई लोगों ने बोला सर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं आई डोंट नो मुझे कोई केयर नहीं है वर्ल्ड रिकॉर्ड बने क्या बने मेरे को सिर्फ एक चीज पता है कि मैं महीने का चार परसेंट से पांच परसेंट मेरा टारगेट है मैं लेकर जाऊंगा चार नहीं आएगा तो थोड़ा कम आएगा लेकिन प्रॉफिट तो होगा घर पे ग्रीन लेकर जाऊंगा मैं अपना कंसोल हर रोज ये जिद है ये जिद जिस दिन आप लोगों ने भी ठान ली सर मैं गारंटी दे रहा हूं आप सब भी इसको अचीव कर सकते हैं एंड ये अन नहीं है सर इट इज नॉट अनअचीवेबल इट इज अचीवेबल वेरी मच अचीवेबल अगर मैंने किया है तो आप क्यों नहीं कर सकते आप भी कर सकते हैं मैंने भी तो बहुत सारे लॉसेस किए थे मैं भी तो आप में से एक था बस ये है कि मुझे मेरी साइकोलॉजी समझ में आ गई मैंने जो दुनिया में लोग फ्री फ्री बांट के वीडियोस बांट के अपने व्यूज बढ़ा रहे हैं ठीक है अपने अलग चीजें चला रहे हैं अपने करोड़ों करोड़ों का वेरीफाइड पी दिखा रहे हैं फिर एक दिन में दस करोड़ कमाते हैं फिर एक दिन में छ करोड़ गवाते हैं उस टाइप की चीजों से मैं अवॉइड करना चाहता हूँ वो ट्रेडिंग एक काफी बड़े उसने कहा है कि दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग ट्रेडिंग जो है वो ये है सर मुझे स्मॉल प्रॉफिट चाहिए मुझे छोटा प्रॉफिट भले ही चलेगा लेकिन मुझे हर रोज चाहिए मैं एक दिन दस लाख का प्रॉफिट करके ला जाऊं मेरे लिए पॉसिबल है सर मैं कर सकता हूं आई कैन गारंटी यू मैं ये कर सकता हूँ इट इज इजी ठीक है लेकिन ये भी कंफर्म है कि नेक्स्ट डे मेरा छह लाख का लॉस होगा ये कंफर्म है एक दिन अगर दस लाख लेके जाऊंगा एक दिन मैं छह लाख देके जाऊंगा या बारह लाख देके जाऊंगा मुझे इस विषय साइकिल में नहीं पढ़ना है मैंने बहुत धोखे खाके गिर अपने लिए सर ये स्ट्रेटेजी अपनाई है ये साइकोलॉजी मेरी चेंज हुई है मैंने अपनी ये साइकोलॉजी डेवलप करी है और मेरी साइकोलॉजी मुझे इससे अब निकलने नहीं दे रही है मैं इससे निकल नहीं सकता मैं कितनी भी मेहनत करूं मैं इसमें फंस चुका हूं मैं इसमें फंस चुका हूं क्योंकि मेरा टारगेट मुझे पता है मुझे मार्केट से कितना चाहिए मेरी ग्रीड कितनी है मार्केट से आप लोगों को पता है कि आपको मार्केट से कितना चाहिए एक बार जरा खुद से सोच के देखिए मेरे पास आजकल आते हैं काफी मैसेजेस आते हैं मैं उनसे पूछता हूँ सर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है डू हैट इज योर एक्सपेक्टेशन यू विल बी सरप्राइज सर वो कहते हैं कि सर टेन पर मंथ आ जाए अरे सर टेन परसेंट पर मंथ वन ट्वेंटी परसेंट पर एन आप मजाक कर रहे हैं क्या वन ट्वेंटी परसेंट पर एन नहीं आएगा लेकिन आपका हंड्रेड परसेंट कैपिटल जरूर चला जाएगा अगर वन ट्वेंटी परसेंट पर एन होता तो सर एफ आई जो इतने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं वो आपको म्यूचुअल फंड में बस पंद्रह परसेंट देते वो आपको पचास क्यों नहीं देते ठीक है अगर बैंक्स इतना पैसा कमा रहे हैं तो वो आपको आपने इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए आपको सात परसेंट क्यों देंगे अगर आपको लग रहा है कि वो एक सौ बीस परसेंट कमा रहे हैं एक साल के तो वो आपको एक साल का सात परसेंट क्यों देंगे वो आपको तीस परसेंट नहीं देंगे कि सर आप हमें इन्वेस्ट करो सर आप जाइए आप किसी भी बैंक में जाइएगा आप उसको बोलिएगा कि मैं ना आपके पास बीस करोड़ की एफ करना चाहता हूं एंड टाइम फ्रेम मिनिमम जो रहेगा वो रहेगा मेरा पांच साल का वो आपको भाग भाग के आठ नौ या दस का आपको रेट दे देगा डिस्कशंस करने के बाद बिकॉज उसको पता है इस बीस करोड़ से मैं हर साल कम से कम पंद्रह परसेंट कमाऊंगा या बीस परसेंट कमाऊंगा अगर वो एक सौ बीस परसेंट कमा रहा है तो वो सर भागवा के इन इन्वेस्टर्स को नहीं बुलाएगा कि आप मेरे पास आओ मैं आपको तीस परसेंट दूंगा सर ऐसा नहीं होता है मार्केट में आप इस चीज को प्लीज समझिए एंड जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी आप लोग अपना कैपिटल सेव कर पाएंगे अब सर मेरे पास काफी लोगों के मैसेज ये भी आते हैं कि सर हमारे पास कैपिटल है फिफ्टी थाउजेंड हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं नहीं सर आप नहीं कर सकते ऑप्शन सेलिंग के लिए कैपिटल थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है बिकॉज उसमें अपफ्रंट मार्जिन देना होता है लेकिन मैं आप लोगों को यह सलाह जरूर करूंगा कि आप अगर ऑप्शन सेलिंग नहीं करते हैं तो बाइंग मत करिए बिकॉज बाइंग जो है वो लॉटरी टिकट है अगर लग गया तो लग गया लेकिन लॉटरीज में आज तक कोई प्रॉफिट नहीं कमा पाया है न बी प्रॉफिटेबल इन लॉटरी बाइंग एंड दिस इज वॉट ऑप्शन बाइंग इज ऑप्शन सेलिंग जो है वो ट्रेडिंग है अगर आपके पास कैपिटल कम है तो सर टाइम लीजिए वेट करिए कैपिटल आप एक करिए दो करिए अपने आप को एक साल दो साल दीजिए मार्केट लाइफ टाइम के लिए है आपके पास लेकिन आप सही चीज पकड़िए इसमें आप मत जाइए ये एक बहुत गहरा कुआ है सर मेरे सामने लोगों ने 18 लाख रुपए लूज करे हैं एक ने 70 लाख रुपए लूज करे हैं ठीक है एंड आज की डेट में उनके पास केवल तीन या चार लाख रुपए बचे हुए हैं सर ये एक बहुत बड़ा विशेष साइकिल है इस बाइंग से बचिए ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी ये आपके पास जितना है वो सब लेके जाएगी मैं गारंटी देता हूं ट्रेडिंग सीखिए ये है ट्रेडिंग आपको क्या लगता है एफ जो है वो क्या ऑप्शन बाइंग करते हैं अगर सर वो ऑप्शन बाइंग करके अपना कैपिटल डबल करते होते, होते ना हर महीने में तो जस्ट इमेजिन जो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स जिस जिस कंट्री के हैं उसकी इकोनोमी में कितना बूम आएगा उसके मार्केट्स में कितना बूम आएगा वो कितना कमाएंगे जस्ट इमेजिन दीज थिंग्स एंड आप लोगों को लगता है आप पचास हजार लाए हैं और दो महीने में आप इसका एक लाख कर लेंगे हाउ इज इट पॉसिबल ये इतने सालों से यहां बैठे हुए हैं इतने पढ़े लिखे हेज फंड मैनेजर्स हैं इनकी पूरी जिंदगी बीस बीस साल इनकी जिंदगी बीत गई है ये ट्रेडिंग करते हुए ये तो कर नहीं पाए आप कैसे कर लेंगे आप इस कटु सत्य को एक्सेप्ट कर लीजिए ये सच है ये कड़वा सच है बट ये सच है आप अपना कैपिटल गंवा देंगे गंवा देंगे सो सर इसके रास्ते मत जाइए बाइंग ऑप्शन में मत जाइए देखने में अच्छा लगता है कि हाँ आज मुझे छह लाख का प्रॉफिट हुआ आज मैंने तीन लाख का प्रॉफिट करा बट क्या उन्होंने आप को बताया कि आपके उनके पास तीन करोड़ का लॉस हुआ चार करोड़ का लॉस हुआ दस लाख का लॉस हुआ बीस लाख का लॉस हुआ क्या उन्होंने कभी बताया आपको आप लोगों को सिर्फ ये प्रॉफिट दिखाया अपने पास बुलाया जो भी आप लोगों ने ज्वाइन करा करा आप लोगों ने अं... मतलब बिना कुछ सोचे समझे ऑप्शन बाइंग की फेक वीडियोस देखी एंड ऑप्शन बाइंग कर ली एंड आपका क्या हुआ लॉस उनका क्या हुआ उनका तो सर प्रॉफिट है बिकॉज़ आप क्या कर रहे रहे हो हो ब्रोकरेज दे रहे हो ना मुझे बताने की जरूरत नहीं है समझो चीजों को तो लॉस तो आपका हो रहा है ना सर फ्री की स्ट्रेटजीज में मत जाइए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब मेरे फेलो ट्रेडर्स हैं मैं भी आप में से एक ही था मैं भी बहुत बेवकूफ बना बनाऊ आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैंने कैसे क्या क्या भुगता है सो आई हम्बली रिक्वेस्ट कि आप प्लीज उस राह पे मत चलिए एंड बाय द वे जो लोग जिन लोगों ने मेरा ट्रेडिंग सिगरेट चैनल देखा है उन्होंने मेरा कोर्स कंटेंट देखा होगा ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये मैं अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में सबको बताता हूँ मेरी जो इंट्रोडक्टरी क्लास है मैं उसमें लोगों की आंखें खोलता हूँ कि आप गलत जा रहे थे राह गलत थी आपकी जो बाइंग की राह थी वो गलत थी आप अब सही राह पकड़ो सेलिंग पे जाओ बिकॉज दिस इज ट्रेडिंग फिर आपका ऐसे प्रॉफिट आएगा एक साथ नहीं आएगा सर धीरे धीरे आएगा बट आएगा और आप भी ये कर पाओगे मेरी पर्सनल गारंटी है बट थोड़ा संयम रखिए थोड़ा धैर्य रखिए सीखिए मार्केट से मार्केट में लॉस मत कराइए कुछ मत करिए ट्रेडिंग मत करिए बस सुबह सवा नौ से लेकर साढ़े तीन बजे तक दो हफ्ते यानी कि दस ट्रेडिंग सेशन बिना कुछ करे बिना कुछ ट्रेड लिए सिर्फ मार्केट को देखिए। अगर आपने ये सक्सेसफुली कर लिया तो आप अपनी साइकोलॉजी को चेंज कर पाएंगे ये मेरी गारंटी है ठीक है सर सो so, सर ध्यान दीजिए जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ये मेरे बेनिफिट के लिए नहीं है ये सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए है ठीक है मुझे फेक प्रूफ करने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा बिकॉज मैं फेक नहीं निकलूंगा तो मेहनत मत करिए जो मेहनत आप उस साइड लगाने वाले हैं बेटर है आप उस मेहनत को ट्रेडिंग सीखने में लगाइए ठीक है इसको अगर आप बेस मानना चाहते हैं तो बेस मानिए और इस टाइप की ट्रेडिंग की कोशिश कीजिए प्रॉफिट भले ही थोड़ा कम आएगा चार परसेंट सर कम नहीं होता लेकिन हर एक डेढ़ साल में मेरा कैपिटल डबल हो जाएगा जैसा कि मैंने बताया मैंने जनवरी दिसंबर जैन में मैंने फिफ्टी फिफ्टी फोर के आसपास फिफ्टी या फिफ्टी फोर सम के कैपिटल के बाद से स्टार्ट किया था एंड सी वेयर माई कैपिटल इज टूडे एंड आप देखिएगा आज क्या चल रहा है सेप्टेंबर ट्वेंटी थ्री सेप्टेंबर ट्वेंटी फोर में जब मैं अगस्त ट्वेंटी फोर का पी एन एल डालूंगा तब मेरा कैपिटल कितना होगा एंड तब मेरा मंथली प्रॉफिट कितना होगा सर इस कैपिटल को मार्केट में डालने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए वो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा वो आपको डेवलप करना पड़ेगा जितने भी ऑप्शन बायर्स हैं आपने देखा होगा कि वो सारे के सारे ऑप्शन बायर्स अपना एक दिन में दस लाख या बीस लाख या थर्टी लाख इससे ज्यादा कभी भी अपने अकाउंट में नहीं रखते हैं इसका रीजन क्या है कि अगर उड़ा तो केवल इतना उड़ेगा इतना उड़ेगा इतना उड़ेगा पूरा अकाउंट ब्लास्ट नहीं हो जाएगा ठीक है इसका मतलब उनके खुद के पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपने अकाउंट में एक करोड़ रख सके अगर आपका ट्रेडिंग ऐसा हो जाए तो क्या आप सोचोगे कि मैं एक करोड़ रखूं दस करोड़ रखूं या आज से पच्चीस तीस साल के बाद जब मैं बहुत रिच हो जाऊंगा तब मैं सौ करोड़ भी इस ट्रेडिंग अकाउंट में रख सकता हूं बिकॉज आपके पास कॉन्फिडेंस है मार्केट में सेट होने का क्योंकि आपने ये अचीव किया है ठीक है सर मार्केट को एक महीने के टाइम इतने छोटे टाइम फ्रेम में मत देखो सर कि पचास हजार रुपए लेकर आयो एक, एक लाख कर लूंगा इतनी जल्दी मत उड़ो नहीं कर पाओगे सत्य है कटु सत्य है। सब कुछ चला जाएगा अपने आप को एज अ ट्रेडर देखो, सोचो कि मैं ट्रेडर बनूंगा आज से पांच साल के बाद मैं कहा रहूंगा मेरा कैपिटल क्या होगा क्या मेरे पास आज अगर दो लाख है तो क्या मैं हर तीन साल में कैपिटल डबल करके छह साल के बाद इसको मैं बारह लाख कर पाऊंगा या नौ लाख कर पाऊंगा इस तरह से सोचो अपने आप को ट्रेडर अगर मानना है और सच में ट्रेडिंग करनी है तो करो और एक चीज मैं आपको बता दूं अगर आप सोच रहे हैं कि हर रोज मतलब थोड़ा पांच मिनट देखेंगे मार्केट और मार्केट से पैसा कमा लेंगे आप नहीं कमा सकते आप भूल जाइए आप डीमेट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दीजिए एटलीस्ट आपका कैपिटल बच जाएगा ये कड़वा सच है बट प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लीजिए आपको टाइम देना पड़ेगा आपने अपने स्कूल में टाइम दिया था तब आप पास हुए एग्जाम्स के लिए टाइम दिया था आपने इंजीनियरिंग करी ग्रेजुएशन करी आपने टाइम दिया तब आप पास हुए आप जब जॉब आई इंटरव्यू के लिए आपने प्रिपरेशन करा आपने टाइम दिया तब आप पास हुए तब आपको जॉब मिली आपको मार्केट में बिना टाइम के सिर्फ लॉस मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा रिमेंबर दिस थिंग ये चीज हमेशा याद रखिएगा सर ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूं बिकॉज मैंने ये अचीव किया है एंड कई लोग बोलते हैं कि ये एडिटेड है एडिटेड है एडिटेड है, है तो सर आई हमली रिक्वेस्ट क्या आपने आज से पहले इससे अच्छा कोई एडिटेड ऐसा कोई एडिटेड वीडियो देखा है और अगर देखा है तो प्लीज मुझे बताइए लोगों ने कहा से एडिट किया ठीक है सर सो so, आज के लिए इतना ही सर जो मेरा मेन मकसद था आप लोगों को यह दिखाने का कि ये फेक नहीं है सर ये वेरीफाइड पी होता है मैंने पूरे वेरीफाइड पीएनएल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं पूरा वेरीफाइड पीएनएल अपने पूरे साल का दूंगा ठीक है उसमें आपको ये मंथ का भी पता चल जाएगा मंथ का मैंने आप लोगों को यह बता दिया है इसके बाद मेरा एक और शॉर्ट वीडियो मैं डालने वाला हूँ मे बी आज या कल में सो आप उसको भी शॉर्ट वीडियो देखेगा वो मेरा पूरे अगस्त पीएनएल का स्टेटमेंट है जैसा कि मैंने आपको बताया मैं हर रोज स्मॉल प्रॉफिट लेना पसंद करता हूं बट मैं इसको हर रोज लूंगा एक कुछ लोगों ने मेरे को ये भी टाइप किया था कि हाँ अगर प्रॉफिट लेना है तो बस इसको दस रुपए का प्रॉफिट ले लो और ऐसा पीएनएल तो बन जाएगा सर अगर ये दस रुपये दस रुपये दस रुपये हर रोज मुझे अगर चार परसेंट पर मंथ देता है मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए मैं इसमें बहुत खुश हूं मैं बहुत ज्यादा खुश हूं मैं ये दस रुपए अगर चार परसेंट बनता है ना मेरा बार पर मंथ में मैं ले लूंगा मुझे नहीं चाहिए ज्यादा ठीक है सर सो so, आपको समझना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है आप मार्केट से कितना चाहते हैं ठीक है सर सो थैंक यू वेरी मच सर आप काफी लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया और काफी लोगों ने मुझे बोला भी है कि सर आपको देखने के बाद लगा है कि आ, ट्रेडिंग ऐसे होती है हम भी ट्रेडिंग अच्छे से सीखेंगे तो सर मेरा मेन मोटिव यही है अगर आप में से मैं एक या दो परसेंट ट्रेडर्स को भी सही राह पर ला सकूं कि आप ऑप्शन बाइंग गलत कर रहे हैं मत करिए ऑप्शन बाइंग का मेन पर्पज हैजिंग है ऑप्शन बाइंग सिर्फ हैजिंग के लिए बनी है लोग ऑप्शन बाइंग को एज अ प्रॉफिट दिखाकर आप जैसे सीधे साधे रिटेलर्स को अपने पास लाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे आप अपनी फ्री स्ट्रेटजीज दिखवा रहे की तरफ ध्यान देता है जिसको पता है कि सर मुझे सौ नहीं चाहिए एक महीने में तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए और दस तो सोचूंगा नहीं मैं एक महीने में मुझे चार से पांच परसेंट का टारगेट रखना है और मुझे ये अचीव करना है मुझे जिस दिन घर साढ़े तीन बजे कॉन्सोल बंद करूंगा जीरोदा का मैं उसको ग्रीन देख कर जाऊंगा जिस दिन आप ये कसम खाकर मार्केट में उतरेंगे आपको प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता शुरुआत में थोड़ा कम प्रॉफिट होगा सर लेकिन होगा और बाद में ज्यादा होगा आज से दस साल के बाद मैं गारंटी दे रहा हूं ये आज सॉरी दस साल नहीं आज से एक या दो साल के बाद आज मैं चार परसेंट कमा रहा हूं मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कुछ महीने ऐसे भी आएंगे जिसमें मैं छह परसेंट या सात परसेंट भी कमाऊंगा ठीक है सर सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मार्केट आज की डेट में विक्स जो है वो बारह से नीचे चल रहा है साढ़े ग्यारह चल रहा है इसलिए मार्केट में इतनी मूवमेंट नहीं है लेकिन विक्स हमेशा ऐसा नहीं रहेगा कुछ टाइम आएगा जब विक्स बारह से ऊपर या तेरह से ऊपर जाएगा तेरह से अठारह के बीच में चलेगा ठीक है उस टाइम पर प्रॉफिट क्वांटिटी बढ़ेगी लेकिन अगर आप लोगों को स्ट्रेटजी में ही भागते रहोगे आर एस आई थर्टी सेवेंटी ओवरसोल्ड ओवर, ओवर बॉडी करते रहोगे तो सर आपको प्रॉफिट नहीं होगा आपका ज्यादा लॉस होगा इनफैक्ट सो स्टिल आई हम्बली रिक्वेस्ट कि आप में से कुछ काफी मेरे जो वेल well विशर्स होंगे आई एम श्योर उनको थोड़ा कुछ समझ आएगा एंड दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहूँ ठीक है सर एंड पिछला वीडियो मैंने इंग्लिश में बनाया था और ये मुझे काफी लोगों ने बोला सर आप प्लीज हिंदी में बनाइए सो ये वीडियो मैंने पूरी कोशिश करी है कि इसमें मैं मैक्सिम हिंदी बोल सकूँ ठीक है सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड

ठीक है एंड सिमिलरली मेरा फेसबुक पर भी चैनल है आप यूट्यूब पर प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है वीडियोस बनाने का बट फ्रीक्वेंटली मैं वीडियोस बनाऊंगा मैं वीकली एनालिसिस का प्लान कर रहा हूँ उसके बाद मैं डेली एनालिसिस का भी प्लान करूंगा सो so दैट मैं जितना ज्यादा हो सके आप आप लोगों को हेल्प कर सकू ठीक है सर एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड सर एंड आप ये लोग प्लीज टाइम uh, नोट कर लीजिएगा दिस टाइम इज चार बज के बारह मिनट एंड चार बज के दस मिनट ये शायद लिंक नहीं चल रहा है रीजन बींग मैंने उसके बाद ये वाला लिंक जनरेट किया होगा मे बी सो शायद ऐसा भी होता है सो so, मैं यही वाला जो मेरा ईयरली लिंक है इसको मैं आप लोगों के पास दोबारा डाल दूंगा सो so, आप लोग उसको अच्छे से देख सकते हैं एक बार देख लेते हैं यस yes, ये वाला चल रहा है सर ये वाला मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट्स इट्स फ्रॉम माई साइड सर थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई होप यू अंडरस्टैंड जो मैं आप लोगों को बताना चाह चाहूंगा Okay, thank you very much and have a good day.